चलो शुरू करते हैं अब अपना कुछ काम। सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। कर देता हूँ मैं एडमिन पे क्लिक। ये क्या मजाक है भाई, पोर्ट नंबर 8080 देना पड़ेगा। खुल जाना, इतना टाइम ले रहा है, क्या करें, सब लोग भाव खाना शुरू कर दिया है। GRDC आ जाओ। जीने अब आते हैं सीधा हमें बनाने का टेबल। तो किधर से टेबल बनता, न्यू में क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे टेबल का नाम देता हूँ COURSE कोर्स, और फिर यहाँ पे कर देंगे हम ID इंट हो जाएगा, इसको हम कर देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। प्राइमरी की यहाँ अपने आप बन चुका है, इसको कर दिया हूँ मैं ऑटो इंक्रीमेंट। यहाँ पे नेम कर देते हैं, ये वर्कर रहेगा। नेम में 100 कैरेक्टर ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे फीस कर देते हैं, इसको क्या ले लें, फ्लोट ले लेते हैं या डेसिमल ले लेंगे, और क्या, हो गया काम खत्म। कर देते हैं हम सेव पे क्लिक। चलो बन के रेडी हमारा। ब्राउज करेंगे, कुछ नहीं है, आप चाहें तो डेटा इंसर्ट कर दीजिए। ID ऑटो इंक्रीमेंट है, इसको छोड़ दो। नेम में हम डाल देते हैं BCA। फीस में डाल देते हैं 20,000 रुपया। ये ज़्यादा फीस हो जाएगा अमीरों वाला, 2,000 कर देते हैं। हम गरीब लोग हैं भाई, ये 3 लाख कर देते हैं, 3,000, हम गरीब लोग हैं, इतने में पढ़ते हैं। चलो हो गया जी काम, एक वेरीफायर हुआ है। यहाँ से आओ, डेटा देख लो क्या है, डेटा देख लिए, इतने डेटा है। चलिए अब आते हैं क्लिप्स पे, बीन में आएंगे, राइट क्लिक। काम क्या नहीं कर रहा है, हो गया। अब यहाँ पे COURSE बीन, स्पेलिंग शायद गलत होता है तो हो, हमें क्या। प्राइवेट इंट ID कॉमा FLOAT फीस, फिर स्ट्रिंग नेम। हो गया ये सारा चीज़ें। अब हम इसको कर लेंगे प्राइवेट। प्राइवेट कर देने का हम लोगों को ये सारे चीज़ें, 1 मिनट रुकना, जाए वॉइस आ रहा है ना, आ रहा है वॉइस, ठीक है, बराबर वॉइस भी आ रहा है। इतना तक हो गया, ये सारा रहेंगे प्राइवेट। अब हमें क्या करना है, राइट क्लिक, हो गया भाई राइट क्लिक, रिसोर्स, और इधर किधर गया, दिखना आ रहे हैं किधर है, हाँ, जनरेट गेटर सेटर, सेलेक्ट ऑल, जनरेट पे हमने क्लिक कर दिया, गेटर सेटर बन के रेडी। एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं हम लोग, तो राइट क्लिक, और फिर यूजिंग फील्ड, कंस्ट्रक्टर भी बन के रेडी, और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं। कंट्रोल स्पेस ऐसे, ये भी हो जाएगा पब्लिक, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन के रेडी। अब कुछ काम करना है क्या हमें, अब कोई काम नहीं बचा है, इधर सारा काम खत्म। अब फिर से आ जाते हैं हम डाउ में, राइट क्लिक, न्यू क्लास, COURSE DOA डाउ। यहाँ पे लिख देते हैं गेट COURSE, गेट COURSES कोर्सेस ऐसे। और ये यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, लिस्ट LIST लिस्ट कर देंगे हम। और यहाँ पे क्या लिखें, COU
CORSE कोर्स, ये वाला कोर्स भी नहीं यहाँ पे आएगा। आ जा भाई कोर्स बीन, हट जाओ। ये हो गया, फंक्शन को कर देंगे हम पब्लिक। ये एरर बता रहा है, कंट्रोल स्पेस यूटिल वाला लिस्ट आएगा, इस तरह से होके रेडी है। रिटर्न नल करते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। ये देखो यहाँ पे डाव है, डाव के पास से हमें इंपोर्ट कर लेना है। ये इंपोर्ट होके रेडी हो गया। अब मैं ओपन करूँगा लॉगिन बिन, यहाँ से हम ले लेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग। ले लिया हमने कनेक्शन स्ट्रिंग ऐसे। अब क्या करना है, सेम यही कोड हम लिखते हैं, प्रिपेयर स्टेटमेंट, बाकी बाकी चीजें। तो यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट, स्पेलिंग में भूल रहा हूँ क्या, कॉपी कर लेते हैं इसी को। प्रिपेयर येलो PS इक्वल टू न्यू, न्यू यहाँ पे नहीं होगा, CONN डॉट डॉट प्रिपेयर, और इसको चाहिए SQL का ऑब्जेक्ट। तो हम आएंगे यहाँ पे, कर देंगे इस पे क्लिक, सेलेक्ट ऐसे, कॉपी, इसमें आएंगे और पेस्ट कर देंगे, हो गया। अब ये कह रहा है जी ट्राई कैच लगाओ, तो सराउंड ट्राई कैच ऐसे। यहाँ पे एसक्यूएल एक्सेप्शन है, मैं एक्सेप्शन कर देता हूँ। ये हो चुका है, डॉट एग्जीक्यूट रिजल्ट, एक्सक्यूट PS डॉट exe, एग्जीक्यूट हो गया, रिजल्ट ऑप्शन इधर आएगा, एग्जीक्यूट क्वेरी नहीं, एग्जीक्यूट रिजल्ट रहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट में, exe cut एग्जीक्यूट। कहाँ गया एग्जीक्यूट रिजल्ट, ये है एग्जीक्यूट क्वेरी रहता है, मैं एग्जीक्यूट रिजल्ट, एग्जीक्यूट क्वेरी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिजल्ट सेट में हम रख लेंगे ऐसे RS। अब हम चलाएंगे वाइल, वाइल लूप चलाएंगे, और यहाँ पे हम कर लेंगे ऐसे RS डॉट नेक्स्ट। यदि नेक्स्ट ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब कि रिकॉर्ड आया है, तो आ जाएंगे यहाँ पे हम, और फिर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं इधर, CORSES इक्वल टू न्यू LIST, एरे लिस्ट चाहिए मेरे को, ARRAY एरे LIST लिस्ट। ये इंटरफेस है जिसका चाइल्ड क्लास है एरे लिस्ट यूटिल के अंदर, इस तरह से हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, CORSE कोर्स, कोर्स बीन इक्वल टू सी न्यू, इस तरह से ऐसे, सी डॉट सेट आईडी, सेट आईडी के अंदर से हम क्या करने वाले हैं, RS से गेट करेंगे, जस्ट डॉट गेट इंट, और यहाँ पे कॉलम का नाम क्या दे देंगे हम, आईडी। इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं दो बार, यहाँ पे नेम, यहाँ पे फी, यहाँ पे गेट FLOAT फ्लॉट, और यहाँ पे गेट स्ट्रिंग कर देंगे,
यहाँ पे सेट नेम और यहाँ पे सेट फी हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, इस वाले कोर्सेस वाले में कोर्सेस डॉट ऐड, ऐड में हम सी को ऐड कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे कोर्स डाउ नहीं होता भाई, कोर्स बीन होना चाहिए, एक बहुत बड़ा अपराध हो रहा है इस तरह से। ऐसे हो गया, आखिरी में जो नल रिटर्न था यहाँ पे कोर्स रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे जो कोर्स डाउ लिखा है वो कोर्स बीन होता है, शायद मैंने गलती से ये लिख दिया। एक काम हो के हमारा काम रेडी हो रखा है, अब हमें सिर्फ ये मेथड कॉल करना है। इतना तक काम हमारा हो चुका, अब हम कहाँ पे आ जाएं, लिसनर से ही। अब हमें स्टूडेंट लिसनर में मैं क्या करूँगा कि ये है कंस्ट्रक्टर, इस कंस्ट्रक्टर के बाद मैं एक मेथड कॉल करता हूँ लोड डेटा इनटू कॉम्बो इस तरह से, और राइट क्लिक यहीं पे माउस ले जाऊंगा तो क्रिएट मेथड का ऑप्शन आएगा। जैसे इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे देखो मेथड बन के रेडी हो गया। लेकिन मैं ऐसा काम करता हूँ कि यूटिलिटी के अंदर ही एक क्लास बनाता हूँ, रीयूजेबल में बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो लोड डेटा इन कॉम्बो इस तरह से मैं क्लास बनाता हूँ और यहीं पे एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड और लोड डेटा इनटू कॉम्बो कॉम्बो ऐसे। और अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, जे कॉम्बो बॉक्स, फिर यहाँ पे अभी मैं जेनेरिक कुछ नहीं सेट कर रहा हूँ जो कि करना चाहिए जेनेरिक हमें सेट, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे लिखा CMB COMB कॉम्बो, ये हो के रेडी हो रखा है अब हमारे पास। और दूसरा मैं क्या करूँगा, एक सेकेंड रुकना जरा, यहाँ थे हम कॉम्बो बॉक्स बना लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इस कोर्स डाव वाले से हमें डेटा लेना है और वो क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट LIST लिस्ट, और फिर यहाँ पे CORSE लिस्ट को इंपोर्ट करते हैं यूटिल के अंदर से, कोर्सेस बीन चाहिए CORSE यस इक्वल टू न्यू CORSE कोर्सेस डाओ डॉट गेट कोर्स। यहाँ पे आ गया डेटा, अब हमें क्या करना है, यही हमारा कॉम्बो बॉक्स है कॉम्बो बॉक्स डॉट। अब बात यहाँ पे फंस जाता है आकर के कि हम कॉम्बो बॉक्स में डेटा ऐड कैसे करें, तो एक कॉम्बो बॉक्स में डेटा ऐड करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, कई तरीके हैं मतलब, तो एक दो तरीका मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जिसमें एक तरीका तो ये है, जैसे कॉम्बो बॉक्स डॉट ऐड करूँ मैं और फिर आइटम में क्लिक करूँ, तो ये देखो आप इधर ये ऑब्जेक्ट मांग रहा है मुझसे, जैसे मैं यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्ट, मतलब मैं एक एक ठो कोर्स बीन का ऑब्जेक्ट बनाऊँ और उसको दे दूँ, तो ये मांग रहा है। तो इसको आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, जावा लेमडा एक्सप्रेशन आया है जावा में इस तरह से, डॉट फॉर ईच करेंगे हम यहाँ पे, और फिर क्या करेंगे इस तरह से ऐसे इस्तेमाल करेंगे, और फिर कॉम्बो बॉक्स डॉट एड आइटम्स
और ऐड आइटम में हम क्या कर देंगे, हम कोर्स को ऐड कर देंगे। कोर्स ऐड हो गया, बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन मैंने आप लोगों को लेमडा एक्सप्रेशंस क्या होता है ये मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन आप इतना मान के चलो कि ये लूप चल रहा है यहाँ पे लूप चल रहा है, ये आप मान के चलो। तो ये एक तरीका है जिससे कॉम्बो बॉक्स में डेटा ऐड हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या सचमुच अभी ऐड हो जाएगा डेटा, मैं रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को प्रोग्राम, क्या सचमुच डेटा ऐड होता है या नहीं ऐड होता है। तो मैं यहाँ पे न्यू करूँगा और फिर LOAD लोड लोड डेटा इनटू कॉम्बो बॉक्स डॉट कॉम्बो बॉक्स। अब एक कॉम्बो बॉक्स मांग रहे हैं, कॉम्बो बॉक्स कौन सा हमें देना है, तो कॉम्बो बॉक्स हमें देना है एड एड स्टूडेंट डॉट COU, कोर्स वाला कॉम्बो बॉक्स इधर से देना है। बहुत अच्छा होता है कि हम यहाँ से अपना कोर्सेस भी पास कर देते लिस्ट वाला, लेकिन दिखाऊंगा मैं करके। रन करता हूँ मैं सबसे पहले प्रोग्राम, तो मैं प्रोग्राम रन करता हूँ आप देखना। ये तो मजाक हो गया हमारे साथ, ये आप देखो यहाँ पे तो पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब हमारा डेटा आ चुका है। हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे कोर्स के जगह पे डॉट गेट नेम करना पड़ेगा हमें। यदि हम नेम करेंगे तो डेटा आएगा, पर मैं नेम तो नहीं करूँगा, मैं इसको चेंज करूँगा अभी। ये देखो आप, तो यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में ये नेम यहाँ पे वो शो हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं करना है, मैं ये हटाता हूँ। हमें क्या करना है, हम यहाँ पे आएंगे और टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइट करेंगे, टू स्ट्रिंग। अब टू स्ट्रिंग मेथड क्या होता है मैं बताता हूँ मैं आपको क्लास में आके। यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा गेट नेम, गेट नेम। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम ही नेम बन गया, ये वाला नेम वेरिएबल। आप ये देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पहले जो BCS शो हो रहा था वो एक सिंपल सा क्या था, ऑब्जेक्ट था, सॉरी स्ट्रिंग के फॉर्म में हो रहा था, लेकिन अभी जो BCS शो हुआ है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में शो हुआ है। 1 मिनट, यहाँ तक हमने कर लिया है। तो मैंने आपको रन करके दिखाया था कि यहाँ पे हमारा BCS शो हो रहा है। अब जैसा मैं कहा कि मल्टीपल तरीके हैं, तो मैं क्या करता हूँ और तरीके दिखाता हूँ आपको कुछ। आप इसको करो कॉपी। अभी तक क्या हो रहा था कि हम यहाँ से ले रहे थे डेटा, हमें यहाँ पे डिपेंडेंसी हो रहा था, हम इस डेटा पे डिपेंड हो रहे थे। अब मैं चाहता हूँ कि ये डेटा भी रन टाइम पे आए, तो डेटा रन टाइम पे लाने पे क्या करेंगे, सिंपल सा लिस्ट डाल देंगे और यहाँ पे LIST लिस्ट कर देंगे, और इस लिस्ट को पास कर देंगे हम यहाँ, लिस्ट्स कर देते हैं, प्लूरल नंबर होगा, और यहाँ पे आके हम कर दिए LIST, LIST, बस हो गया काम हमारा। और यहाँ पे मैं आऊँगा, किधर पे था मैं, इधर ही पे था, एड लिसनर, यहाँ पे मैं आऊँगा और सिंपल सा मैं ये लॉजिक लिखूँगा, कॉपी कंट्रोल पेस्ट कर, पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। इस तरह से भी हम काम कर सकते हैं, एरर कहीं ना कहीं पे तो एरर जरूर है। कोर्स ये कह रहा है, कोर्स कहाँ से अब आएगा, ये वाला कोर्स है, हमें यहाँ से अब लिस्ट लेना है, ये वाला कोर्स की हमें ज़रूरत नहीं है, अब हमें इस वाले लिस्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने लिस्ट पेस्ट किया, ये देखिए फिर भी आ रहा है।
तो मल्टीपल तरीके हैं काम करने के, आपको जो अच्छा लगे आप करें, बाकी हम देखते हैं इसको अगले दिन। एक टेक्निक मॉडल भी है कि कॉम्बो बॉक्स से मॉडल गेट किया जाता है और फिर डेटा ऐड किया जाता है, लेकिन मैं वो सब कुछ नहीं करने वाला। आप चाहें तो इन सारे टेक्निक को डिलीट कर दें, ये टेक्निक रहने दें, टोटल आपके ऊपर है। चलिए हम मिलते हैं अगले दिन।